वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोला है, -1 लोअर लिमिट है, 1 अपर लिमिट है, ठीक है। डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस में 5। तो देखो एक बार इसको विदाउट लिमिट सोल्व करते हैं, बाद में जाके लिमिट लगा देंगे। डी एक्स अपॉन में है एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस का 5। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उनमें हम क्या करते थे, पहले तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट हटाते थे। यहाँ पे तो पहले से ही हटा हुआ है, 1 है। फिर हम क्या करते थे, तो एक्स का कोफिशियंट देखते थे, यहाँ पर क्या है 2। फिर इसका हाफ करके, यानी कि 2 का हाफ हो जाएगा 1, उसका स्क्वेयर ऐड करते थे और माइनस करते थे। यहाँ पर करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x, इस 5 को बाद में लिख लेंगे, प्लस कर देंगे 1 स्क्वेयर और माइनस कर देंगे प्लस में 5। फिर आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से 3 टर्म्स का। तो 3 टर्म्स आपने देखने हैं, किन का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वेयर बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, क्या बच गया, -1 का स्क्वेयर और प्लस में 5 बच गया। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से बच गया 4 प्लस का, और प्लस में 4 को मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ x प्लस 1 को t के इक्वल, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा 1 प्लस में 1 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। अपॉन वाला dx इस साइड ले आओ, dx इक्वल्स टू में आ गया dt। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें, dx के ऊपर dt रिप्लेस कर दिया। x प्लस 1, x प्लस 1 को मैंने क्या लेट किया है t, तो यहाँ पर t आ जाएगा। इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला हो जाएगा ना, 2 स्क्वेयर प्लस में t स्क्वेयर। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास डी एक्स अपोन में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर हो, यहाँ पर टी की फॉर्म में, तो डी टी अपोन में ए स्क्वेयर प्लस में टी स्क्वेयर हो गया, किसके कुल होता है वो 1/2, ठीक है। क्या होता है 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अब यहाँ पर हो जाएगा टी बाई ए, तो 1/2 टेन इनवर्स टी बाई ए है यहाँ पर 2। अब आप लिमिट लगा दो, अभी आ गया आपके पास टी की फॉर्म में। लिमिट क्या थी हमारे पास, एक्स वाली थी लिमिट, तो टी वाली लिमिट कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो अपर लिमिट है 1, यहाँ पर 1 रख देंगे तो t की अपर लिमिट आ जाएगी 2। लोअर लिमिट है -1, यहाँ पर -1 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 लोअर लिमिट। तो लिमिट भी आ गई, अब इसको आप सोल्व कर लो। 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, 1/2 बाहर रह जाएगा, यहाँ पर एक बार रख देंगे t की जगह पर 2, यानी कि अपर लिमिट, और फिर माइनस का साइन लगाकर t की जगह पर रख देंगे लोअर लिमिट, यानी कि 0। अब आपको पता है tan इनवर्स 1 पर क्या वैल्यू होती है, मेरे पास tan इनवर्स 1 पर वैल्यू होती है π/4, तो π/4 माइनस में टेन इनवर्स 0 पर क्या वैल्यू होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, π/8, ये आंसर हो जाएगा। था ना बिल्कुल इजी केस, एक बार देख सकते हो आप, इसको आसानी से कर दोगे मुझे पता है, नोट कर लें। अगर इसमें कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।